हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और बम्पर नंबर की सीट की वैकेंसी की अपडेट लेके। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से, लेखपाल की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बम्पर नंबर की सीट रहेगी। फ्रेंड्स, ये आपका ग्रुप सी की पोस्ट होती है। अगर इसके रिगार्डिंग आप शॉर्ट नोटिस देखना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप डाउनलोड करके थ्रो आउट देख लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इच्छुक हो इस नोटिस के बारे में डिटेल्स जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि बिहार पंचायती राज विभाग में आपका आया है क्या, लेखपाल की वैकेंसी। ये आपका ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट होगी। विभाग बार बार बता रही हूँ, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की तरफ से रहेगा। पोस्ट नेम की बात करूँ तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको लेखपाल। पहले ही बताया कि बम्पर नंबर की सीट है, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 6570 सीट है, काफी अच्छा सीट आया है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं कैटेगरी वाइज टोटल क्या है, मेल फीमेल का क्या रहेगा। पहले देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल वालों का 1068, ईडब्ल्यूएस के लिए 427, एससी वालों के लिए 853, एसटी के लिए 85 सीट है, और ईबीसी के लिए आपका 1068 है, और बीसी के लिए 769, और ओवरऑल देखिए मेल के लिए 4270 सीट्स रहेगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में जनरल का है 575, ईडब्ल्यूएस के लिए 230, एससी के लिए 460, एसटी के लिए 46, ईबीसी के लिए 575 और बीसी कैंडिडेट का 414। टोटल जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 2300, मतलब 2300 सीट आपका महिला कैंडिडेट का, 4270 सीट पुरुष कैंडिडेट का। ठीक है, अब टोटल देखते हैं कि क्या आया है, कैटेगरी वाइज सीट क्या है। देखिए टोटल जनरल का है 1643 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 657, एससी के लिए 1313 सीट, एसटी के लिए 131, ईबीसी के लिए 1643, बीसी के लिए 1183, ओवरऑल तो बताया है कि 6570 सीट रहेगा। ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है, ये आपका किया गया है 15 मार्च 2024 को। इसका जो डिटेल नोटिस आएगा ना, वो आ जाएगा आपको 12 अप्रैल को, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। अब बात करूं कि नोटिस में आप देख पाएंगे कि जो अप्लाई करने की तिथि दी गई है ना, 15 अप्रैल से 14 मई, मतलब 15th ऑफ अप्रैल से फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड लास्ट डेट रहेगा 14th मई। इसका बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहिएगा कि 14th ऑफ मई तक डेट है, जैसे ही ऑनलाइन होगा अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इस बार थोड़ा सा जैसे इसका सब पैटर्न वगैरह चेंज किया जा रहा है, तो वो सब आगे आपको बताऊंगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले बता दूं कि क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है कॉमर्स से, जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है कॉमर्स से, या फिर सीए इंटर कर रखा है, वो सब इलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रीफरेंस, जो हायर प्रीफरेंस दिया जाएगा, सीए इंटर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वाले बच्चे होंगे उनको प्रीफरेंस मिलेगा। आगे बता दूं आपको कि एज का लिमिट क्या रहेगा। तो एज का जो लिमिट है ना आपका, 1 जुलाई 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 37 वर्ष है। रिलैक्सेशन आपको पता है कि अपर एज में मिलता है, तो जो जनरल कैंडिडेट फीमेल है या फिर ओबीसी और एससी के मेल फीमेल दोनों को 3 वर्ष का छूट मिलेगा, एसटी कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों ही को 5 वर्ष का छूट मिलता है। चलिए बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा।
पहले फ्रेंड्स जैसा आपको पता हुआ कि इसका ऑफलाइन पेपर होता था, रिटर्न एग्जाम ओएमआर बेस्ड एग्जाम लिया जाता था। तो जैसे आपको पता है अभी बहुत सारे एग्जाम में धांधली वगैरह हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए नोटिस में बता दिया गया कि आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए। और सेकेंड स्टेज पर क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिंपली डीवी होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। और वैसे फ्रेंड्स इससे ज्यादा कुछ जानकारी अभी दिया नहीं गया है नोटिस में, फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पर एग्जाम पैटर्न बताते चलती हूँ कि किस किस सब्जेक्ट से पूछेगा, ताकि बाद में अभी आपको एक महीने का समय है नोटिफिकेशन आने में, तब तक कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाओ। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल इंग्लिश से आपका होगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स यानी गणित से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, साथ ही साथ बिहार का भी जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह होगा वो सब अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपका कंसर्न सब्जेक्ट से रहेगा, कॉमर्स वगैरह से रहेगा। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे और तैयारी की स्पीड को भी बूस्ट करेंगे। अब बता दूं आपको कि थोड़ा मोटिवेशन कहाँ से आएगा तैयारी करने के लिए। देखिए सैलरी से मोटिवेशन आता है स्टूडेंट्स को, तो आपकी जो सैलरी होगी ना 21,700 से शुरुआत होता है आफ्टर पर सिलेबसेस, हर वर्ष सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी उसके बाद आपकी सैलरी 70,000 के करीब पहुंच जाएगी। आई होप कि सारा कुछ डिटेल आप इसके रिगार्डिंग समझ गए होंगे। अब भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट नोटिस डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से और थोड़ा आउट पढ़ लीजिएगा। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, कुछ समझ आए हो तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।